प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेसिकली सिचुएशन वेयर अ सेलर कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स जो आपके पास एक मोनोपलिस्ट होता है इट कैन इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बाय चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स बाय कैरिंग आउट प्राइज डिस्क्रिमिनेशन अमोनोपलिस्ट कैन इंक्रीज इट्स रेवन्यू अमनोपलिस्ट कैन इंक्रीज इट्स

आउटपुट दैट इज बींग प्रोड्यूस्ट बाई डिफरेंट और फिर एक और भी है कि other, कि वहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जिस मार्केट में सस्ती आइटम आप बेच रहे हो वहां से लेके उसको महंगी मार्केट में जाके बेच दे अब अंडर द कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अम नॉपलेसड कैन मैक्सिमाइज इट प्रॉफिट बाई चार्जिंग इज लेस इलास्टिक एज कम्पेयर टू मार्केट वेयर डिमांड इज इलास्टिक अब अंडरस्टैंड द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम यहां पर लेते हैं कि देयर इज अ फार्मर हुनिक वेजिटेबल इन अ पर्टिकुलर लोकवलिटी और उस पर्टिकुलर लोक्लिटी में देर आर टू मार्केट वेयर ही कैन सेल सेल ही आउटपुट एक में उसकी डिमांड फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल क्या है इन वन मार्केट डिमांड फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल इज इन इलास्टिक और दूसरे में डिमेंड फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल इज रिलेटिवली इलास्टिक अब उस चीज को करने के लिए हमने यहां पर आप कहें फिगर वन में हम आपके पास यहां पर डिमेंड फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल इन मार्केट वन रिपोर्ट कर रहे हैं इन फिगर टू डी टू करोट डिमेंड फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल इन

अगेंस्ट गिवन प्राइसेस फिर इसी पैटर्न पे हम एम आर वन शो कर रहे हैं इन फिगर वन दैट रिपोर्ट द मार्जन रेवन्यूट दैट फार्मर इज गेटिंग अगेंस्ट डिफरेंट लेवलुट एम आर टू डी द मार्जन रेवेन्यू इन मार्केट टूट दैट फार्मर इज गेटिंग अगेंस्ट डिफरेंट लेवलुट और फिगर थ्री में वी आर रिपोर्टिंग हेयर एग्रीगेटेड मार्जन रेवेन्यू

इट्स प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग टू वन प्लस क्यू टू लेवल ऑफ आउटपुट अब ये जो टू वन प्लस क्यू टू लेवल ऑफ आउटपुट है फार्मर क्या करेगा ही विल डिस्ट्रीब्यूट दिस लेवल ऑफ आउटपुट इन द टू मार्केट्स। लेकिन वो कुछ इस पैक्ट पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उसके प्रॉफिट मैक्सीमाइज हो जाए और यह प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएंगे इफ ही डिस्ट्रीब्यूट इट्स लेवल ऑफ आउटपुट दिस लेवल ऑफ आउटपुट इन टू मार्केट इन सच अ वे कि जिस भी मार्केट में वो अपना आउटपुट सेल आउट करे वहां पे उनके मार्जिन रेवेन्यू अगेंस्ट द लास्ट लास्टेंट सोल्ड इन द मार्केट वो इक्वल हो जाए और ये जो मार्जिन रेवेन्यू इक्वल आपके कहां पे हो जाएंगे फार्मर इज प्रोड्यूसिंग ई ये जो मैंने एक ऑरिजेंटल लाइन ड्रा की है जिसमें मैं ई ई लिख रहा हूं तीनों डायग्राम में इट बेसिकली रिपोर्ट द इक्वल वैल्यू ऑफ मार्जिन रेवेन्यू अगेंस्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट ये इक्वल लेवल ऑफ मार्जिन रेवेन्यू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अगेंस्ट Q1 वन इन मार्केट वन दिस इक्वल लेवल ऑफ मार्जिन रेवेन्यू कैन बी ऑब्जर्व इन अगेंस्ट Q2 टू लेवल ऑफ आउटपुट इन मार्केट टू इन मार्केट वन अगेंस्ट Q1 वन लेवल ऑफ आउटपुट फार्मर कैन चार्ज अ प्राइस इज इक्वल टू पी वन हां प्राइस किस बेस पर अगेंस्ट इक्लिप्रिम क्वांटिटी वट इज दी वट इज द प्राइज दैट फार्मर कैन चार्ज और सेकेंड मार्केट में फार्मर क्या चार्ज करेगा अगेंस्ट टू टू क्वान्टिटी प्राइस इज इक्वल टू पी टू अगर हम इन दोनों प्राइसिस का कंपेरिजन करें तो इन मार्केट वन फार्मर इज चार्जिंग हायर प्राइस एंड सेलिंग लोअर लेवल ऑफ आउटपुट एज कंपेयर टू दउटपुट दैट द फार्मर इज सेलिंग इन मार्केट टू मार्केट टू में फार्मर रिलेटिवली आप कह लें लार्जर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन प्राइस वो कुछ कम चार्ज कर रहे हैं एज कंपेयर टू मार्केट वन बट बाई चार्जिंग डिफरेंट इलास्टिस ऑफ डिमांड फॉर फार्मर आउटपुट फार्मर कैन मैक्माइज हिज प्रॉफिट लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि इफ वी एज्यूम फार्मर इज ऑपरेटिंग अंडर परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट तो उस सूरत में उसके पास लेवल ऑफ आउटपुट किस बेस पे ट्रेन होगा कि ये जो मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट कर मैं कह सकता हूं दिस इज द एग्रीगेटेड मार्जिनल कॉस्ट कर एंड दिस एग्रीगेटेड मार्जिनल कॉस्ट डिनोट्स द सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ़ द फार्मर इन मार्केट और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डी इट डिनोट्स द डिमांड फॉर आउटपुट इन द मार्केट परफेक्टली कम्पेटिटिव मार्केट में आपके पास हम प्राइसेस इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई एमसी डिनोट्स डिनोर्स मार्केट सप्लाई एंड डी कर्व डिनोट्स मार्केट डिमांड तो प्राइस क्या चार्ज करेगी फार्म, फार्मर क्या जी मार्केट प्राइस होगी पी सी और कंपेटिटिव मार्केट रेलेटिवली हायर क्वानिटी ऑफ आउटपुट विल बी सोल्ड इन दार्केट और प्राइस क्या होगी प्राइसिवलीस प्राइस इज चार्ज एज कंपेयर टू दाइस इज दैट फार्मर कैन चार्ज अंडर मोनोपलिस्टिक फिर इसी चीज को लेबोरेट करने के लिए अब सपोज हम यहां पर जब हम एग्रीकल्चर आउटपुट की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर आउटपुट डिपेंड करते हैं ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन ट माइट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल वेदर इट देर माइट बी पॉसिबल लेस क्वांटिटी प्रोड्यूसड ऑफ वेजिटेबल्स अगर लेस क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स प्रोड्यूस हो तो देन उसको फार्मर को क्या करना है अगेन ही हैजू डिस्ट्रीब्यूट दिस क्वान्टिटी ऑफ वेजिटेबल्स इन बोथ मार्केट लेकिन करेगा वो कैसे इस पैटर्न पे करेगा कि एकदम मार्जिन रेवेन्यू अगेंस्ट ईच यूनिट दैट दैट द फार्मर इज सेलिंग इन द मार्केट वो क्या होंगे दोज मार्जिन रेवेन्यू आर इक्वल इन बोथ मार्केट के जी इफ इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूस के इट इज नॉट पॉसिबल फार्मर इज नॉट प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक एडवर्स क्लाइमेटिकंडीशन लेवल ऑफ आउटपुट क्या प्रोड्यूस हुआ डीक्यू वन प्लस डीक्यू टू अब इस लेवल ऑफ आउटपुट के अगे अब ये जो लेवल ऑफ आउटपुट है फार्मर हैज टू डिस्ट्रीब्यूट दिस लेवल ऑफ आउटपुट इन टू मार्केट्स अगेन किस तरह करेगा बाई इक्वेटिंग मार्जिन रेवेन्यू दैट द फॉर्म इज गेटिंग बाय सेलिंग आउटपुट इन बोथ मार्केट क्या जी बाय सेलिंग डी क्यू टू क्वान्टिटी बाय सेलिंग डी क्यू टू क्वान्टिटी इन सेकेंड मार्केट एंड डी क्यू वन क्वान्टिटी इन मार्केट वन ते इन लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या है मार्जिन रेवेन्यू

अंडर दंट्रोल ऑफ दमर बिकॉज ऑफ सर्टन अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स तो अगर वो लेवल सप्लाई कुछ कम होगी तो फार्मर विल डिस्ट्रीब्यूट दस क्वानिटी सप्लाई क्वांटिटी इन बोथ मार्केट टू मैक्माइज हिज प्रॉफिट अब इस सारे में हम एक चीज अब कहने फाइंड आउट की हम लोगों ने कि मोनोपलिस प्रोड्यूस अल आउटपुट वेयर एग्रीगेट मार्जिन रेवेन्यू इंटरसेक्ट दार्जिन कॉस्ट कर टोटल रेवेन्यू इन मोनोपली इज ग्रेटर दैन द रेवेन्यू दैट ऑफ प्रोड्यूसर इज गेटिंग अंडर कंपेटेटिव मार्केट क्या अंडर कंपेटेटिव मार्केट क्या होगा कि अगर हम कंपेरिजन करें बिटवीन मोनोपली एंड कंपेटेटिव मार्केट इज लेवल ऑफ आउटपुट क्या लार्ज क्वान्टिटी इज सोल्ड इन कंपेटिटिव मार्केट एंड लोअर प्राइस लोअर प्राइस इज चार्ज एज कंपेयर टू वेन अ फर्म ऑपरेट अंडर मोनोपली the output that is produced under monopoly, it is less than the output that, that a farmer produces, produces under competitive market. for monopoly, the charge price charged by the monopolist will be higher than the price that, that the firm can charge under perfectly competitive market.